इंदौर के बेतरतीब ट्रैफिक से एक नौकरी पेशा प्रेग्नेंट लेडी परेशान है। इस लेडी ने पुलिस प्रशासन के सामने अपनी अजब गजब डिमांड रखी है। इस प्रेग्नेंट लेडी ने इंदौर कमिश्नर, कलेक्टर और ट्रैफिक एसपी को अपनी कार में मॉडिफिकेशन कराने और बाहुबली फिल्म के भल्ला देव की तर्ज पर कार के आगे चक्र लगाने की अनुमति मांगने के लिए आवेदन दिया है। महिला का नाम कनुप्रिया सत्तन है। वो भाजपा के वरिष्ठ नेता व कवि सत्यनारायण सत्तन की बेटी है। जब मामले की चर्चा तेज हुई तो हमारे रिपोर्टर्स ने कनुप्रिया से मिलकर इस अजीब गरीब डिमांड की सच्चाई जानी। मैम, आपने एक अनोखी मांग की है यहाँ पर, क्या है कि भल्लाल देव के रथ की तरह आप उसमें पंख लगवाना चाहते हैं गाड़ी में? मैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं 8 months प्रेग्नेंट हूँ, मतलब आज से ही मेरा नवा महीना स्टार्ट हो गया इनफैक्ट। तो इस कंडीशन में मैं जब भी गाड़ी में बैठती हूँ या खुद गाड़ी चलाती हूँ, मुझे बहुत अनसेफ फील होता है, क्योंकि इंदौर के जो लोग हैं वो ट्रैफिक नियमों को नहीं मानते हैं। कई बार ऐसा होता है लोग गलत साइड से ओवरटेक करते हैं, गलत लेन पर खड़े होते हैं, जैसे राइट में जाना है लेफ्ट में खड़े हैं, तो मुझे बहुत इसमें बहुत अनसेफ फील होता है। इसके चलते मैंने एक ऐसी डिमांड की है और ये मैं लॉन्ग टर्म नहीं रखना चाहती हूँ। मैं सिर्फ तब तक, जब तक मेरा बेबी 6 महीने का ना हो जाए, तब तक मैं अपनी गाड़ी में इस मॉडिफिकेशन को रखवाना चाहूँगी, ताकि मैं और मेरे बेबी सेफली ट्रेवल कर सकें। अच्छा, इसके लिए आपने कोई इंजीनियर से भी बात की, कोई डिज़ाइन भी तैयार किया हुआ है इसको लेकर? डिज़ाइन तो तैयार नहीं की है, लेकिन हाँ, मैंने एक इंजीनियर से बात की है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मेरी गाड़ी के आसपास जो आए वो खुद भी कट जाए, जैसे कि भल्लाल देव के रथ से होता था। पर हाँ, उस तर्ज पे मैं चाहती हूँ कि जैसे आपने शायद नगर निगम की गाड़ियों को देखा होगा सफाई करते हुए, तो उनकी जो गाड़ियाँ जिस तरह से सफाई करती है, जो पोर्शन उनमें नीचे लगा होता है, वो मैं अपनी गाड़ी के चारों तरफ लगवाना चाहती हूँ, ताकि लोग उसके पास आने से डरें। बेसिक मेरा यही है कि लोग अवेयर हो जाएं, उसको देखकर वो दूरी खुद ही बना लें। तो मुझे लगता है कि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि ट्रैफिक रूल्स क्या हैं। यातायात विभाग अवेयरनेस कार्यक्रम भी चलाता है लगातार, लोगों के चालांस, रॉन्ग साइड वाले चालांस भी लगातार बनाता है, तो काफी एक्टिव भी है यातायात विभाग, एक्टिव भी है, बावजूद इसके लोग अवेयर नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या सजेशन देंगी कि यातायात विभाग ये करे कि आपको आगे भल्लाल देव की तर्ज पर चक्र ना लगाना पड़े? राइट, मैं तो यही चाहूंगी कि किसी को भी ये सिचुएशन फेस ना करना पड़े। जैसे इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, तो आप जानते हैं कि इसलिए नहीं है क्योंकि निगम ने बहुत काम किया, इसलिए क्योंकि जनता ने काम किया। तो मुझे लगता है मेरी अभी भी नाराजगी यातायात विभाग से नहीं है, पुलिस वालों से नहीं है, क्योंकि वो तो चौराहे संभाल सकते हैं, लेकिन उन चौराहों पर पहुंचने के लिए हमको एक लंबी सड़क का जो फासला तय करना होता है, वहां पर ना तो कैमरे होते हैं ना वहां पर पुलिस वाले होते हैं। तो उन रास्तों पर हमें खुद समझदार बनना पड़ेगा, ताकि हम भी सुरक्षित रहें और दूसरा भी सुरक्षित रहे। कनुप्रिया सतन का कहना है कि उनकी प्रेगनेंसी का नवा महीना चल रहा है और इंदौर की सड़कों पर जब वो गाड़ी चलाती हैं तो अपने आप को अनसेफ महसूस करती हैं, क्योंकि इंदौर के लोग वाहनों को गलत तरीके से ओवरटेक करते हैं और रॉन्ग साइड वाहन चलाते हैं। इसके अलावा अगर हम गाड़ी स्लो ड्राइव करते हैं तो वो हम पर कमेंट पास करते हुए निकलते हैं। ऐसे में कनुप्रिया ने अपने बेबी की सेफ्टी के लिए यह कदम उठाया है। अब प्रशासन उनकी मांग पूरी करता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कनुप्रिया की शिकायतों को अनदेखा नहीं किया जा सकता।